और आज है ना दाल मैंने कल बनाई थी वो बची हुई है, तो मैं दाल और मेथी की पूरियां बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने आटा मिक्स कर लिया है, फिर भी आपको सिर्फ दिखा देती हूँ क्या क्या डाला है। सो ये मैंने लिया है आटा, इसमें मैंने डाला नमक, जीरा मसाला, ये कसूरी मेथी, आज मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो कहीं अंदर घूम गया है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एकदम थोड़ा सा। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ये डाल के गूंधेंगे। चलिए हमने पहले ड्राई जो था वो अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसमें हम ये दाल डालेंगे। और याद रखिएगा आपको जितनी दाल है उस हिसाब से अंदाजे से आटा लीजिएगा कि सिर्फ दाल में ही गूंदना है, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं होना चाहिए वरना जो फ्लेवर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो दाल ही सिर्फ इसमें जाएगी गूंदने के लिए, और आप अच्छे से थोड़ा मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लीजिएगा। मेरा आटा हो गया रेडी, इसे थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। आज ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है क्योंकि पूरियां मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे, और ये मेरी फर्स्ट पूरी हो गई फ्राई। अब मैं दूसरी वाली करके आपको दिखाती हूँ। ये एकदम से इसको दबा देना, और अगर ऑयल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर का होना तो 100% आपकी पूरी फूलनी ही फूलनी है। और इसके बाद हम इसे पलट देंगे। यह एंड दैट्स इट, हमारी पूरी रेडी हो गई। जो भी कहो, खीर और पूरी, हलवा पूरी, इन सब की बात ही कुछ और है। नहीं, वाह, यम्मी यम्मी। मस्त बनी है पूरी, बहुत अच्छी बनी, एकदम सॉफ्ट, वो सारे फ्लेवर्स, दाल का टेस्ट, सब कुछ एकदम मस्त है। चलो अभी मैं बाद में मिलती हूँ खाने के बाद, बाय बाय।